वेलकम टू ऑल ऑफ यू. प्रोफेसर विनय मोरेस, डीजी क्लास. वी आर लर्निंग आरएसएस सब्जेक्ट एंड मॉड्यूल नंबर 6, विच इज अ डक डिजाइन. ऑल्दो इट्स अ लास्ट चैप्टर, बट इट्स अ वेरी इजी, सो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एंड इट्स अ वेटेज इज अराउंड 10 टू 15 मार्क्स. सो लेट्स स्टार्ट. On your screen, I am going to share RAC notes. Okay. What do you mean by duct? The duct is nothing but a pipelines which carries the air conditioned air from the air conditioning unit to and from. You may have seen in auditoriums, malls, theaters. So there are two different types of cross-sectional areas. First is a circular cross-sectional area and second one is a rectangular cross-sectional areas. A circular cross-sectional having a four features. First is it carries a more amount of air as compared to rectangular. So and frictional losses are very less because very less area is available which is comes in contact with the air. So less area, so less frictional losses. And third one is the aesthetic point of view, which is not a good looking and it's very difficult for fitting on the walls. These are the advantages. But in a rectangular cross sectional area, it carries the less air as compared to circular ducts. And second one is that more friction losses because there are four different areas are available, therefore more friction. It offers a flat surfaces, so it's a very easy for fitting and good looking aesthetic point of view. So most of the times, aesthetic point of view, rectangular cross sectional area duct is more useful, but as point of economical point of view, circular cross sectional area is very good because very less area is available, so very less insulation is required and less costly. So therefore economically point of view, circular cross sectional area is better, and for aesthetic point of view, rectangular cross sectional area is better. So next, pressure in the ducts. There are two different pressures. First is a static and second one is a velocity pressure. Static pressure means it is a pressure which always exist on the walls of the duct. मतलब वहाँ पे कुछ बाकी pressure रहे ना रहे, but walls पे always वहाँ पे एक pressure continuously काम करते रहेगा, वो रहेगा static pressure. स्टैटिक प्रेशर का खासियत ये है, सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इफ इट इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डक्ट्स बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं. और सपोज इसका अगर प्रेशर इफ इट इज वेरी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन तो भी उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो सकता है. सो स्टैटिक प्रेशर इज ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द डक्ट्स. सेकेंड वन इज द डायनेमिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर, इसको डायनेमिक भी बोलते हैं. द वेलोसिटी प्रेशर एग्जिस्ट ओनली व्हेन द एयर स्टार्ट फ्लोइंग इन द डक्ट. जब वहां से एयर फ्लो होगा विद पर्टिकुलर वेलोसिटी देन डायनेमिक प्रेशर या तो फिर वेलोसिटी प्रेशर क्रिएट होगा. अगर मैं दोनों प्रेशर का एडिशन करता देन आई विल गेट टोटल प्रेशर, दैट इज पीटी. टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड वेलोसिटी प्रेशर. तो यहाँ पे आई हैव शेयर्ड वन डायग्राम विद यू. देयर इज अ वन डक्ट एट इनलेट, देयर इज अ सफिक्स 1-1 एंड सफिक्स 2-2. प्रेशर पी एंड टेम्परेचर T1 इज गिवन एंड एट आउटलेट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर T2 इज गिवन. सो एज द वेलोसिटी इंक्रीजेस द वेलोसिटी प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेस सिंस द टोटल प्रेशर इज कॉन्स्टेंट एंड द स्टैटिक प्रेशर डिक्रीजेस. सो टोटल प्रेशर जो रहेगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. तो समटाइम्स स्टैटिक प्रेशर रिड्यूस होगा तो वेलोसिटी प्रेशर विल इंक्रीज. इफ द वेलोसिटी प्रेशर इज डिक्रीज देन स्टैटिक प्रेशर विल इंक्रीज, बट वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ कंटिन्यूटी इक्वेशन. वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अ एफएम.
एम डॉट, व्हाट डू मीन बाय एम डॉट? दैट इज अ मास फ्लो रेट. एम डॉट का फॉर्मूला क्या होता है? रो ए वी बार. सपोज आपका डक्ट है, वहां पे इनलेट वन एंड आउटलेट टू, एरिया इज अ सेम. सपोज यहाँ पे तो डायग्राम में तो एरिया सेम दिखा है, बट सपोज एरिया ए वन इज अ डिफरेंट एंड ए टू इज अ डिफरेंट, देन व्हाट विल हैपन? बट मास फ्लो रेट जो है इनलेट एंड आउटलेट का, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. देयरफॉर एम डॉट वन इज इक्वल टू एम डॉट टू. सो रो वन ए वन वी वन बार इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू बार. बट हियर एरिया विच इज फ्लोइंग इन साइड द डेंसिटी इज द सेम एट द इनलेट as well as at outlet. So rho 1 and rho 2 will be the same. Area will be different sometimes and velocity will be varied with respect to change in area. So therefore, we will get new equation, that is A1 V1 is equal to A2 V2. Next, Bernoulli's equation. We also learned this equation. It's very simple. Addition of energy is equal to constant, that is a pressure energy plus kinetic energy plus potential energy is equal to constant. ये आपको अच्छे से याद है. अगर normally duct, if it is horizontal, same dotted line पे है, then Z1 will be equal to Z2. And finally, you will get P by rho is equal to V square by 2. So P1 by rho 1 plus V2, V1 square by 2 is equal to P2 by rho 2 plus V2 square by 2. But the density will be the same at the inlet as well as at outlet. So you will get P1 plus rho V1 square by 2 is equal to P2 plus rho V2 square by 2. So आपको ये equation भी याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर sometimes short note आता है, एक continuity equation पे और दूसरा Bernoulli's equation पे. Now काम की चीज देखते हैं जो numericals में use होगा. तो before understanding this mean hydraulic depth, मैं आपको ये important क्यों है, तो उसके पहले मैं आपको एक formula cover करता हूँ. So आपको इसका use कहाँ पे होगा, तो आपको वो clear हो जाएगा. Okay, let's see. This is a pressure loss due to friction. इस type के numerical हमने already solve किया FM में. PF is equal to FL rho v square upon 2m. यहाँ पे FM is means frictional factor. L means length of the duct, rho is a density of air, and V is a velocity of air. And what about M? M is not a mass. M is a constant. So, वो हमें देखना है कि M मुझे कहाँ से मिलेगा. And one more thing, हमने discharge का formula FM में देखा है, that is Q is equal to area into velocity. So, velocity is equal to Q upon A. अभी देखते हैं कि M मुझे find out कैसे करना है. So, यहाँ पे स्टार्टिंग से हमने बात की थी कि हम नॉर्मली फोकस करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो एम इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज अ रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द वेटेड पेरीमीटर. एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग रिटर्न, इट्स अ पैरामीटर लिखा है, बट इट्स अ वेटेड पेरीमीटर. मतलब सपोज वहां से एयर डक्ट्स में से एयर पास होता है, तो उसका वेटेड मतलब उसका जो कवर एरिया है वो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई बाई फोर डी स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज अ पाई डी. सो यू विल गेट एम इज इक्वल टू डी बाई फोर. सो नो नीड टू बाहर दिस, यू कैन मेक इट. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, इफ इट्स लेंथ इज ए एंड विड्थ इज बी, देन यू विल गेट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए बी. And what about perimeter? Perimeter is a twice of length plus twice of width. So twice into A plus B. So finally you will get M is equal to cross sectional area upon perimeter. करता हूँ तो मुझे मिलेगा AB upon twice A plus B. अगर बात करते हैं square duct की, then four sides will be the equal. Suppose if it is A, then cross sectional area will be a square and perimeter will be is equal to 4 times side, that is 4a. So finally you will get m is equal to a by 4. Okay, and most important, jiska weightage 8 to 10 marks ke liye ho sakta hai, wo derivation kafi simple hai, kafi easy hai, but aapko compulsory ye karna hai kyunki ye question aayega. क्या दिया? इट्स अ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डक्ट करस्पॉन्डिंग टू रेक्टेंगुलर डक्ट ऑफ साइड्स ए एंड बी फॉर द सेम प्रेशर लॉस पर यूनिट लेंथ.
फॉर द सेम प्रेशर लॉस पर यूनिट लेंथ। आपको यहाँ पे डेरिवेशन निकालना है। सपोज मैं एक रेक्टेंगुलर डक्ट यूज कर रहा हूँ जिसका लेंथ ए है, विड्थ बी है, और मुझे इसको रिप्लेस करना है सर्कुलर डक्ट से, तो उसका डायमीटर मुझे कितना यूज करना है, और जिसका प्रेशर लॉस भी क्या रहेगा, पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा। सो मतलब मुझे क्या करना है कि मेरी एग्जिस्टिंग जो रेक्टेंगुलर डक्ट है मुझे उसको रिप्लेस करके एक सर्कुलर डक्ट यूज करना है, तो मुझे उसका डायमीटर कितना रखना है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ एजम्पशंस होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज द लेंथ ऑफ द बोथ डक्ट्स आर द सेम। सो सी इज अ सफिक्स यूज फॉर सर्कुलर डक्ट एंड कैपिटल आर इज अ सफिक्स यूज फॉर द रेक्टेंगुलर डक्ट। सो एल सी इज इक्वल टू एल आर। So we are assuming that frictional factor for the both ducts are the same. So ऐसे केस में क्या रहेगा, friction in circular FC is equal to FR. Third assumption is density of air flowing through the both duct is the same. So rho AC is equal to rho A bar. Sorry, rho AR. And most important, pressure loss per unit length is the same. Then PFFC is equal to PFR. ये चार assumptions हैं। Next, we are talking about pressure losses. और pressure losses का formula हमने just देखा है, that is FL V square upon 2M. But what about M? That is M is a mean hydraulic depth. तो cross sectional area की अगर देखते हैं, तो cross sectional area of circle is a pi by 4 d square and perimeter of the circle is a pi d. So हमें पता है कि MC कितना आएगा, means M of circular duct is a d by 4. And what about rectangular? It will be MR is equal to AB upon twice A plus B. So ये आपको पता होगा। अभी actual derivation start होगा। First case one, suppose मुझे डक्ट को रिप्लेस करने के बाद भी मुझे जो क्वांटिटी ऑफ एयर है वो सेम रखना है। सो द क्वांटिटी ऑफ द एयर फ्लोइंग थ्रू द बोथ डक्ट इज द सेम। तो अगर मुझे ये अचीव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग में ही बोला है द प्रेशर लॉस इज द सेम इन बोथ केसेस। सो PSFC इज इक्वल टू PFR, ये पहले से फिक्स है, गिवन है। और PF का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज FL rho v स्क्वायर अपॉन 2m। सो मैंने वो लिख दिया, FC, LC, rho C, VC square, twice MC is equal to FR, LR, rho R, VR square upon twice MR. But हमने पहले ही बोला है कि frictional losses are the same, so FC and FR will be cancelled, length भी same है, so LC, LR cancel हो जाएगा, density is also same, so rho C, rho R will be cancelled, 2-2 cancel हो जाएगा, बचेगा VC square upon MC is equal to VR square upon MR. But what about velocity? Velocity is a discharge divided by area. So if I simplify, then I will get 1 upon MC AC square is equal to 1 upon MA AR square. So finally, you will get MC AC square is equal to MR AR square. So M ka jo humne derive kiya tha formula, that is a D by 4, and cross-sectional area of the circular is a pi by 4 D square. Similarly, rectangular ka M tha AB upon twice A plus B, and cross-sectional area of AR, that is A into B ka square. So after simplifying, you will get this final formula, that is 1.265 into A cube B cube upon A plus B raised to 1 upon 5. So very simple hai. Aapko yaad rakhna hai PF ka formula. Aapko yaad rakhna hai प्रेशर फ्रिक्शनल लॉसेस का फॉर्मूलाज, आपको एफ एल रो वी स्क्वायर अपॉन 2m आपको याद रखना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करते जाना है, और फिर आपको m के फॉर्मूलाज वहां पे यूज करना है, देन यू विल गेट d. सेकंड, एक्चुअली इसका यूज क्या है, सपोज आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया का a का वैल्यू आपको पता है, उसका विड्थ पता है, तो आप ये फॉर्मूले यूज करके आप जो न्यू सर्कुलर डक्ट है उसका डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ओके, सेम सेकंड है कि सपोज केस टू, इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर फ्लोइंग थ्रू द बोथ डक्ट्स इज द सेम। सपोज अगर मुझे सेकंड केस देखना है कि जहां पे मुझे वेलोसिटी भी सेम रखनी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सिंपल है, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, प्रेशर फ्रिक्शन लॉसेस दैट इज पी एफ सी इज इक्वल टू पी एफ आर, ये तो गिवन था।
सो हमने उसका फॉर्मूलाज यूज किया, बाद में देखा तो फ्रिक्शनल लॉसेस बोथ केसेस FCFR तो सेम है, लेंथ भी सेम है, सो LCLR विल गेट कैंसल, ROCE एंड ROR विल गेट कैंसल, बट इस बार वेलोसिटी भी कैंसिल होगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में केस टू में बोला है VC इज इक्वल टू VR, सो VC VR भी कैंसिल होगा एंड टू टू विल ऑल्सो गेट कैंसल, सो बचेगा क्या 1/MC इज इक्वल टू 1/MR, सो MC इज इक्वल टू MR, और M के फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी डिराइव किए हुए हैं सर्कुलर के लिए एंड डक्ट के लिए, उसको सिंप्लीफाई करो देन यू विल गेट D इज इक्वल टू ट्वाइस AB अपॉन A प्लस B. ओके, सो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ना भी बोलो तो उसको 10 मार्क का वेटेज है और काफी सिंपल है, बट एक बार एग्जाम के पहले उसका प्रैक्टिस करके जाना है. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है शॉर्ट नोट ऑन फ्रिक्शनल चार्ट. सो फ्रिक्शनल चार्ट होता क्या है, तो फ्रिक्शनल चार्ट का ये डायग्राम जो है वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सिंपल है, यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस होता क्या है, एक्चुअली फ्रिक्शनल चार्ट्स आर द अवेलेबल फॉर द सर्कुलर डक्ट्स ओनली, ये रेक्टेंगुलर के लिए यूज नहीं होता, सर्कुलर डक्ट्स के लिए ही काफी सिर्फ यूज होता है. नेक्स्ट, फ्रिक्शनल चार्ट्स गिव्स द फ्रिक्शन फैक्टर और द प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर मीटर. सो आपको यहाँ पे इसका यूज क्या है, तो फ्रिक्शनल फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है, प्रेशर लॉस आप फाइंड आउट कर सकते हो पर मीटर या तो फिर पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द डक्ट्स. तो फ्रिक्शन लॉस का चार्ट होता कैसा है, दिखता कैसा है, हियर ऑन एक्स एक्सिस प्रेशर लॉस पर 100 मीटर लेंथ इज गिवन विल बी गिवन, एंड यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस वॉल्यूम क्वांटिटी मीटर क्यूब पर मिनट के फॉर्म में वहां पे ऑलरेडी गिवन होता है. ये स्टैंडर्ड चार्ट अवेलेबल होता है, बट आपके उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, प्रेशर लॉस होता है. सो एक्स एक्सिस पे प्रेशर लॉस मींस ये जो वर्टिकल लाइंस है वो क्या इंडिकेट करती है, देयर इज अ प्रेशर लॉस पर 100 मीटर लेंथ ऑफ द पाइप. एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज अ वॉल्यूम और क्वांटिटी मीटर क्यूब पर मिनट के फॉर्म में गिवन होता है. सो हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट्स वॉल्यूम. नेक्स्ट, डायगोनल डाउनवर्ड लाइंस. These diagonal downward lines indicates velocity lines. Velocity meter per second को वो indicate कर देंगे. And जहाँ पे D लिखा है, diagonal upward lines indicates diameter lines. जहाँ पे diameter mm में given रहेगा. आपको simply इसका use क्या होगा कि सबसे पहले आपको वहाँ पे क्या करना है कि आपको particular velocity आपको सबसे पहले इसको choose करना है. जैसे velocity पता चलेगा, आपको एरिया पता होगा, आपको सपोज आपको वेलोसिटी पता है, आपको फिर डिस्चार्ज भी सिलेक्ट करना है, और फिर इन दोनों को यूज करके आप उसको डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि Q इज इक्वल टू AV बार. सो वेलोसिटी पता है, Q पता है, तो आपको एरिया मिलेगा. नेक्स्ट, एरिया मिलेगा, तो जैसे एरिया मिलेगा तो आपको डायमीटर पता चलेगा, और जैसे डायमीटर आपको ट्रैक होगा क्योंकि क्वांटिटी आपने ऑलरेडी फिक्स किया है, डायमीटर ऑलरेडी आपने फिक्स किया, देन यू विल गेट फ्रिक्शनल रेट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल चार्ट. आई एम गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन. फ्रिक्शनल चार्ट में होता है एक्स एक्सिस जो इंडिकेट करता है प्रेशर लॉस पर 100 मीटर, सो वर्टिकल लाइन इंडिकेट करता है प्रेशर लॉस. हॉरिजॉन्टल ऑन वाई एक्सिस वॉल्यूम और क्वांटिटी विल बी गिवन इन द मीटर क्यूब पर मिनट. नेक्स्ट, डायगोनल डाउनवर्ड लाइंस इंडिकेट करता है वेलोसिटी लाइंस, एंड डायगोनल अपवर्ड लाइंस डायमीटर लिखा हुआ है, दैट इज अ डायमीटर लाइंस. तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई डक्ट डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी चूज करना है, फिक्स करना है, देन आपको उसका डायमीटर फिक्स करना है, सॉरी उसका डिस्चार्ज QA फिक्स करना है, और हमें पता है QA इज इक्वल टू AV बार. अगर Q पता है, velocity पता है, then you will get area. So area use करके आप diameter find out कर सकते हो. And next, अगर diameter का line पता है, volume पता है, volume means Q आपको पता है, और आपको फिर आराम से यहाँ पे क्या मिलेगा, frictional rate. तो आप उसको find out कर सकते हो. Therefore it is called as a frictional chart. इसके ऊपर भी short note आता है. Now we are going to stop here. So एक बार revise कर लो, काफी आसान chapter है. If there is any doubts, kindly ask me. And I'm also going to share different videos on these topics. So इसको last chapter बोल के इसको
निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आराम से आपको 10 to 15 मार्क्स 100% देगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।